नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा रखता हूँ अच्छे ही होंगे। आप लोग क्या जानते हैं, अपने मोबाइल से ही कोई आधार सेंटर या कोई दुकान पे ना जाकर ही आप लोग अपने मोबाइल पे ही आप लोग अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर ले सकते हैं। आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों के लिए आज ये वीडियो लाया हूँ, आप लोगों के मोबाइल पे आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो हमें ये देखने के लिए हमें अभी चलना पड़ेगा हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे। चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखाते हैं। ओके गाइस, तो चलते हैं हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये गूगल मैंने खोल रखा है, कोई भी ब्राउज़र में, मैंने एज ब्राउज़र में खोला है। आप लोग क्रोम या जो कोई भी ब्राउज़र है आपके पास अवेलेबल, उसमें आप लोग गूगल खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम अभी क्या करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे UIDAI। ओके, चलते हैं UIDAI। तो ये हमारा पहला वाला जो लिंक है UIDAI तो .gov.in, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। देखिए हम क्लिक करें तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए जो आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये हमारा खुल गया। तो चलिए अभी क्या करना पड़ेगा, ये तो हम अभी डाउनलोड करेंगे आधार कार्ड। तो ये देखिए ये पहला वाला जो गेट आधार, इसमें के एक भाग है डाउनलोड आधार, तो इसमें हम क्लिक कर देंगे। देखिए ये एक दूसरी विंडो पे खुल गया। तो हमारा अभी क्या करना पड़ेगा, तो ये देखिए यहाँ पे हम आधार डाउनलोड तीन प्रकार से कर सकते हैं, एक आधार नंबर से कर सकते हैं, एक एनरोलमेंट आईडी से कर सकते हैं, एक वर्चुअल आईडी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो अभी आधार नंबर पता नहीं, सिर्फ मैसेज ही आया है, मैसेज में तो फुल आधार नंबर लिखा नहीं है। तो हमारे पास क्या है, एनरोलमेंट आईडी है। ठीक है, एनरोलमेंट आईडी तो आपको पता ही है कौन सा है, आपके पास जो ये वाला जो पेपर है ये तो आप लोगों को दिया जाता है वो सेंटर से, आधार सेंटर से दिया गया है। तो इसमें ऊपर का जो नंबर है ये अपडेट रिक्वेस्ट नाउ, हाँ तो ये इसका जो नंबर है, ये नंबर और डेट यहाँ पे बैठा के हमारा आधार डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, तो हम पहले एनरोलमेंट आईडी में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आया एनरोलमेंट आईडी, 14 डिजिट का एनरोलमेंट आईडी है। चलिए हम डायल करते हैं, सिक्योरिटी रीजन से हम ये ढक दे रहे हैं। अच्छा, ये हमने डायल कर दिया 14 डिजिट। ठीक है, इसके सामने एक देखिए यहाँ पे कैलेंडर है, तो इसका कैलेंडर हमें जाना पड़ेगा। कैलेंडर में ऊपर में देखिए अगस्त 2020 लिखा हुआ है, तो हमारा तो 2019 का अक्टूबर का है। तो चलिए हम अभी वहाँ से अक्टूबर ले जाते हैं, ये देखिए हमारा अक्टूबर 2019 आ गया। तो हमें अभी डेट कौन सा है, डेट है 18 तारीख। ठीक है, डेट 18 तारीख। अभी यहाँ पे देखिए घड़ी के तरह एक देख रहा है, तो हम घड़ी में क्लिक करके ये देखिए यहाँ पे 17 है, तो मेरा भी 17/32/17 है, तो यहाँ पे 17 यहाँ पे 32 हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं 32 और 17 मिनट, ये देखिए हमारा मिल गया। ठीक है, तभी 17/32 या 33 हो गया, अच्छा 32। अच्छा ठीक है, एक बात मैं बता देता हूँ, आप लोगों का मास्क आधार चाहिए तो यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। मास्क आधार मतलब वो जो आधार नंबर डाउनलोड होगा उसमें क्रॉस क्रॉस साइन आएगा, और ये मास्क का आधार नहीं चाहिए, पूरा आधार नंबर चाहिए, तो हमें ये टिक नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अभी क्या करते हैं, हम जो यहाँ पे कैप्चर है कैप्चर फिल कर ले। तो अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे OTP सेंड OTP, तो आपका अभी मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो वो OTP हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, मेरे मोबाइल पे एक OTP आ गया, क्या मैंने OTP डाल दिया। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन क्विक सर्वे बोल के एक ऑप्शन आता है, तो इस पे यहाँ पे लिखा है कि डिड यू नो दैट यू कैन ऑर्डर रिप्रिंट ऑफ आधार लेटर फ्रॉम UIDAI वेबसाइट। आप जो जानते हैं इसलिए आप यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डेज डिड यू रिसीव द रिप्रिंटेड आधार लेटर गेटिंग SMS। अच्छा, यहाँ पे तो हमने रिसीव किया नहीं है अभी तक, पर रिसीव किया है, एक देने से ही हो जाएगा। ठीक है, मैं फिलहाल 6 to 10 days में रखता हूँ। तो अभी वेरीफाई एंड डाउनलोड इसमें क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, हम ये वेरीफाई एंड
डाउनलोड पे क्लिक किया। अभी देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमारा आधार डाउनलोड हो गया है, ठीक है। तभी हम इस फाइल को खोल के देखेंगे। ये हम डाउनलोड्स पे गए, ये जो फाइल है इस फाइल में हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें पासवर्ड दिखा रहा है कि दिस फाइल इज़ प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड, ठीक है। तो हमारा पासवर्ड कौन सा होगा? पासवर्ड होगा हमारा जो नाम, आपका जो नाम है, नाम का फर्स्ट फोर लेटर इन कैपिटल। मैं अपना डायल कर लेता हूँ, फर्स्ट फोर लेटर कैपिटल में देना पड़ेगा, ठीक है, आपका नाम का। और क्या देना पड़ेगा? आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ईयर जो है, ईयर देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने दे दिया, तभी ओके कर दिया। देखिए ये खोल रहा है, ठीक है, मेरा आधार खोल गया है। तो ऐसे करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए काट मार्क दिया हुआ है, हम यहाँ से प्रिंट करके, यहाँ से काट करके कार्ड बना के ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को पता चल ही गया कि कैसे आप लोग आधार कार्ड अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे डाउनलोड करेंगे और कैसे प्रिंट आउट लेंगे। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं रोज की तरह आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में जो नोटिफिकेशन बटन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरा वीडियो में। नमस्कार।